हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए टू जेड कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि कैसे आप जनरल स्टोर, किराना स्टोर खोलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, चाहे आप देहात में खोल लें यानी गांव में, रूरल एरिया में, या फिर आप अपने जैसे बाजार, गाँव से बाहर जो बाज़ार होती हैं छोटी, वहाँ पे खोल लें, या फिर सिटी एरिया में खोल लें। तो सबसे ज़्यादा सवाल जो आता है हमारे कमेंट में, हमारे जो मित्र हैं जो हमको बहुत प्यार करते हैं, कि सर कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितनी मार्जिन है। तो बहुत छोटा सा वीडियो मैं बस बताऊंगा कि कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं एक किराना की स्टोर खोलने में, जनरल स्टोर खोलने में। तो इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए वैसे दोस्तों, तो अगर आप रूरल एरिया में किराना स्टोर खोलते हैं तो कम से कम 25,000, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम 25,000 में आप गांव में, 25,000 से 50,000 में आप गांव में एक किराना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि सारा सामान आप रख सकते हैं, बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों वही बात करें बाज़ार में, जो कि मेन रोड है या आपका जो मेन सड़क है जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ पे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 1,00,000 से 2,00,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किराना की दुकान में, तो आप सारे प्रोडक्ट रख सकते हैं जो रेगुलर वे में बिकता है। रेगुलर वे का मतलब ख़ास तौर से आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जब आप दुकान शुरू करें यानी दुकान ओपन करें, तो ख़ास तौर से ब्रांड प्रोडक्ट हमेशा रखें दुकान पे। ब्रांड मीन्स जो सामान ज़्यादा बिकता है। आप भी जानते होंगे क्योंकि हम भी यूज करते हैं और आप भी यूज करते हैं कि ब्रांड प्रोडक्ट क्या होता है। ब्रांड प्रोडक्ट में जैसे सुबह से उठने से लेकर, मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं और पेस्ट लगाते हैं, तो ब्रश आपका कोलगेट या ओरल बी या सेंसोडाइन का होना चाहिए, ये आप भी जानते हैं, अच्छी कंपनी है। कोलगेट आप पतंजलि का कर सकते हैं, कोलगेट का भी आता है मैक्स, बाकी क्लोजअप है, सेंसोडाइन है। तो इस तरीके से जो ब्रांड प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छे से बिकता है, उस प्रोडक्ट का आप ज़्यादा कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट हो। उठने के बाद जैसे आप बिस्किट से पानी मान लीजिए पीते हैं, तो कौन सा बिस्किट खाते हैं, प्रिया गोल्ड का है, ब्रिटानिया का है, पार्ले का है, विक्स फार्म का है, यानी तमाम ऐसी कंपनियां जिनकी बिस्किट ब्रांड होते हैं, कस्टमर डिमांड करते हैं कि यार ये बिस्किट हमको चाहिए, यानी वो चीज़ आप रख सकते हैं। तो इस तरह से ले करके आप बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको आप ब्रांड के तौर पर रख सकते हैं, जो कस्टमर मांगते हैं वो आप भी जानते हैं, चाहे वो नमक हुआ, चाहे तेल हुआ, चाहे रिफाइंड हुआ, चाहे शैम्पू हुआ, चाहे साबुन हुआ, हर ब्रांड प्रोडक्ट आप रखें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे, आप सिटी एरिया में अगर आप किराना स्टोर खोलना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे मिनिमम। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, किराना बिजनेस या जनरल स्टोर स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कम से कम आप 2 से 5 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सिटी एरिया में, तो आप एक बढ़िया किराना स्टोर खोल सकते हैं। अब स्टोर खुल गया हमारा, गांव में खुल गया, बाज़ार में खुल गया और शहर में खुल गया। अब हम बात करेंगे कि इसमें मार्जिन कितनी होती है। तो दोस्तों मार्जिन की बात किया जाए तो किराना बिजनेस में मिनिमम 10% और मैक्सिमम 25% तक का मार्जिन होता है। मिनिमम 10% यानी 1,00,000 का अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं ब्रांड प्रोडक्ट, तो 10,000 रुपये तक आप बचा सकते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि अब अगर आप गांव में 25,000 से 50,000 रुपये लगाते हैं तो कितना कमा सकते हैं, 10% से लेकर 25% तक का मार्जिन होता है दोस्तों। यानी अच्छी इनकम आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कम पूंजी में स्टार्ट हो जाता है और साथ ही नुकसान के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो होता है वो डेली इस्तेमाल का होता है, जल्दी बिक जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में या फिर कोई जानकारी चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज़ कमेंट करिए, उस आपकी दिक्कत को मैं, या जो भी आपको परेशानी हो रही है उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं वीडियो बना के आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। जिस पे हमें ज़्यादा कमेंट आएंगे
उस तरह की वीडियो हम ज़्यादा बना के आप तक जरूर पहुँचाएंगे दोस्तों। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। तो हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं तब तक अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।